सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा अपने फाउंडेशन डे के अवसर पर 10वें चैरिटी शो का आयोजन किया गया और 8 लाख की सहायता राशि दी गई। यह चैरिटी शो सेंट सोल्जर कैंपस जालंधर अमृतसर बाईपास के नज़दीक करवाया गया, जिसमें होटल रमाडा, होटल डेज इन हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रहे। इस अवसर पर सेंट सोल्जर ग्रुप के चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा, राजन चोपड़ा, पद्मश्री बीबी प्रकाश कौर, कॉमेडियन संदीप पतीला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रोग्राम की शुरुआत ज्योति प्रज्वलित करते हुए की गई। इसके अतिरिक्त सभी ने ग्रुप के फाउंडर्स स्वर्गीय आरसी चोपड़ा, स्वर्गीय श्रीमती शांता चोपड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गायक तेजी बाजीवा और करिंदे बैंड ने अपने गीतों से सभी का मनोरंजन किया। इसके साथ सारे गामा पा के रनर अप हर्ष सिकंदर ने भी सभी को गीत सुनाया और संदीप पतीला एंकर सुपर बॉय करण ने सभी को अपनी बातों और कॉमेडी से खूब हंसाया। चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा ने बताया कि संस्था के सभी स्टाफ मेंबर्स द्वारा अपनी एक एक दिन की सैलरी को डोनेट कर इस राशि को एकत्रित किया गया है। उन्होंने राशि पिंगलाघर, अंध विद्यालय, अपाहिज आश्रम, कुष्ठ आश्रम, नारी निकेतन, यूनिक होम, होप फॉर लाइफ, सहारा सेवा समिति के इंचार्ज को 7,50,000 के चेक के रूप में भेंट की और 13-13 सोसाइटी को 50,000 रुपये का राशन प्रदान किया। इसे मिलकर अब तक कुल 64,51,000 की राशि चैरिटी में दी जा चुकी है। प्रोग्राम में प्रोफेसर मनहर अरोड़ा, कर्नल आर के खन्ना, सभी डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स और 3,000 से अधिक स्टाफ मेंबर्स शामिल हुए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। फेल हो गया ओ फिटे मुंह तेरे लख लानता, और सामने दी गुलाबों वाल देख फर्स्ट आई है, ओ गुलाबों वाल देख देख ता फेल हो गया। सो हां जी किधर आए हो? सर मैं इंश्योरेंस कंपनी तो आया। हां जी दसो। सर साडे कोल ना एक प्लान आ, जे ताडी लत कटी जावे तां 10 लाख रुपया मिलूगा। ना भरावा, 10 लाख रुपया पिछे लत थोड़ी कटा लेनी है, कोई होर प्लान दस। फिर एक होर प्लान आ, जे ताडी बांह कटी जावे तानू 5 लाख रुपया देवांगे। ना भरावा, बांह नहीं कटाउणी यार, तू मैनू 2 लाख रुपया दे ते मेरे नौ कट दे। चुने तेरी अम्मी स्वागत करता कि अज फाउंडेशन डे दे उत्ते मेरा सारा परिवार इकट्ठा होया और इन्हां दे आन दा बहुत बहुत स्वागत। जड़ा बीच साड़ी माता जी ने मिसरी शांता चोपड़ा और पिता जी ने आरसी चोपड़ा जी ने बीजा सी, उन्होंने एक शौक भावना सी कि उस वक्त दे विच लड़कियां दी एजुकेशन खासकर रूरल एरिए दे विच नहीं दित्ती जांदी या बहुत घट दित्ती जांदी सी। एक छोटे जे स्कूल दे विच कोई फाइनैंशियल बहुती सपोर्ट भी नहीं सी। फादर जी साडे सर्विस पेशा आदमी सी, फौज दे विच सी। आप मेहनत करके दो कमरों के बीच एक कमरे के बीच उन्होंने एक एक घर के विचों आप लड़कियों बच्चों इकट्ठा किया और बच्चों एजुकेशन शुरू की, जो आज इन्ने बोर्ड का वृक्ष बन के थोड़े सामने खड़े। उन्होंने मन के बीच थी कि जी एजुकेशन उन्होंने एरिया से दी जाए जिस एरिया पब्लिक स्कूल एजुकेशन की जरूरत है,
अज भी सेंट सोल्जर्स जिन्हें भी ब्रांचिज ने जिन्हें कॉलेज ने स्कूल ने या तो रूरल एरिए या सैमी अर्बन एरिए जो कि अर्बन एरिए आ गए हो So I would just like to take a few minutes from of you guys. I would like to introduce myself to you. So I don't, how would you feel if your own parents they left you in a dustbin? I don't know who my mom or who my dad is. When I was newly born, like my mom, she just threw me in a dustbin. And the lady, Prakash Kaur, she brought me from there and she got me to Unique Home. For according to her, education is really important for the girls. So she made me go to a very good school in Missouri, that is Condorges and Mary. I got my education from there and then I went to England to pursue my higher studies. I got my degree from business management. After doing my degree from business management, I went to Canada. I did my 2 years diploma from there. I got my permanent residence and then I came back to India to visit my family. And I, even before some weeks, I went to a function and over there I saw the function of Saint Soldier and I was really impressed, like the girls, they were doing the Bhangra and the Gidda. And I was really impressed that even in today's world, like they showed their own culture. And thank you to ma'am and to sir for donating, because of these people we have reached over here. And the last request I would like to request to all of you is that we all celebrate the birthday of all the girls on 24th of April. So I would- Aaj Saint Soldier group da jidda Chopra saab ne dassiya 45,000 स्टूडेंट है, इन्होंने 1,00,000 के है, मैं महारानी मोहन अरदास करूंगा 1,00,000 नहीं, वो 10,00,000 स्टूडेंट होना चाहिए। जेड़े लोग समाज लई काम करते हैं उन्होंने महारानी हमेशा ही दिती है। देखो ये जो प्रोग्राम चैरिटा करते हैं अज का नहीं करते, 10 साल हो गए करद, 7-8 साल तो मैनू भी हो गए ये चलद, और बड़ा माण करते हैं, पैसे भी देंगे है, पैसे तो अलावा हर महीने पहली तरीक नूं चाहे ऐतवार होवे, छुट्टी होवे, मीह होवे, नेरी होवे, इन्हां दा राशन हर वक्त सानूं पहुंचदा, हर महीने पहुंचदा, अज दा नहीं पहुंचदा, सालों दा पहुंचदा। चोपड़ा सर, चोपड़ा मैडम जी, संगीता मैडम जी और मेरी प्रकाश कौर बहन जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, ये तो हमारे बहुत क्लोज है, और जितने भी यहाँ पतवंते सज्जन आए हैं, पहले तो सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं भी आपके बीच में शामिल हूँ, उसके बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चोपड़ा सर है, ये तो हमेशा ही अंध विद्यालय को तो हमेशा ही डोनेशन देते हैं, और जब बच्चों की जरूरत पड़ती है, कभी बच्चों के कोई टीवी का कार्यक्रम है या कोई स्कूल की फीस है, जब भी कभी जरूरत पड़ जाए कि बच्चों ने खेलने जाना है आउट ऑफ स्टेट है, तो हमेशा खड़े होते हैं, जब भी हम कहते हैं इतने पैसों की जरूरत है, हमेशा हमारी मदद करते हैं। जालंधर के किशनपुरा में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक पक्ष की राजेंद्र कौर ने बताया कि उनके पति के छोटे भाई जबरदस्ती जमीनें बेचकर अपने नाम रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। गत दिनों उन्हें धोखे से बुलाकर उन पर पूरी योजना के साथ हमला कर दिया गया, जिस कारण उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं पीड़िता का कहना है कि उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें उचित इंसाफ दिलाने का आश्वासन भी दिया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हरजिंदर कौर की, मामला की हो गया जी? कुछ नहीं, भरावां प्रॉपर्टी का केस 4 साल तो चल रहा है। अच्छा जी, छोटे भरा जड़े है नजायज बेची जा रहे है, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਹਮਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਕਮਲਦੀਪ, ਦੋ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, 4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? 3 ਨੰਬਰ।
ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਐਚਓ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ भारतीय जनमानस पार्टी की एक अहम बैठक जिला फगवाड़ा बंगा नवांशहर रोड महाराजा पैलेस में रखी गई। तो वहीं इस मौके पर समाज सेवी नेता पंडित पवन कुमार शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पंजाब प्रदेश प्रभारी की अगुवाई में पंजाब प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष किशन शर्मा जी के द्वारा पंजाब प्रदेश युवा मोर्चा उपाध्यक्ष बलवंत सिंह शाही और जिला जालंधर युवा मोर्चा अध्यक्ष जीवन सिंह को बनाया गया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय जनमानस, जय शिवाजी। मैं भारतीय जनमानस पार्टी युवा मोर्चा पंजाब प्रधान किशन शर्मा। अज साडे शाही जी जो वाइस प्रधान पंजाब दे बनाए गए ने, ठीक है जी, अज उन्हां नूं प्रधानकी सौंपी गई है। तो मैं अपने वालों पूरा इन्हां ते यकीन करके इन्हां नूं प्रधानकी सौंपी है। ये मेरी जिहड़ी यकीन है ये कदी नहीं ढहण देणी। बलवंत सिंह शाही फगवाड़े तो जी जी बोल जनमानस पार्टी उची वर्ती बोलो भारतीय बलवंत सिंह शाही फगवाड़े तो भारतीय जनमानस पार्टी युवा मोर्चा वाइस प्रधान सौंप रहे जो मेरे सौंप रहे ने अहुदा वो कामों पूरा उतरेंगे लोगों के हकों के काम करांगे भलाके काम जो उन्होंने मेरे उम्मीद रखी आने पूरा करांगे। मैं पंडित पवन कुमार शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंजाब प्रदेश प्रभारी मैं आज जालंधर से आया हूँ। उनको पंजाब प्रदेश युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सम्मानित किया गया है भाई जन पार्टी तरफ से। अमृतसर से भारत के अलग अलग राज्यों से इकट्ठा हुए हिंदू यात्रियों का एक जत्था अटारी वाघा सीमा से कटास राज की यात्रा के लिए व पाकिस्तान में अपने गुरु स्थानों के दर्शनों के लिए रवाना हुआ। गौरतलब रहे कि कुल 115 के करीब हिंदू यात्रियों ने वीजे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की ओर से 68 यात्रियों को ही पाकिस्तान जाने का वीजा मिला है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये हिंदू यात्रियों ने बताया कि पाकिस्तान में कटास राज की यात्रा जो कि शिव भोलेनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने और महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाने के लिए वे पाकिस्तान जा रहे हैं, उन्हें मौके पर ही वीजा मिला है। अगर उन्हें एक सप्ताह पहले वीजा मिल जाता तो वे सही ढंग से अपनी तैयारी कर सकते थे, जिस कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों की सरकारों से अपील करते हैं कि वीजा प्रणाली को सरल बनाया जाए ताकि जो भी श्रद्धालु है वे पाकिस्तान या भारत में अपने गुरुधामों के दर्शन करने के लिए जा सके। गौरतलब रहे कि यह जत्था 22 फरवरी को वापस लौटेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। संख्या में तो थोड़े लोग ज्यादा हैं, पर मुझे खुशी है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, महाराष्ट्र आदि, उत्तराखंड, सब जगह से, राजस्थान से भी ये यात्री आए हैं। और हमें बहुत दुख से कहना पड़ता है कि 47 लोगों का वीज़ा लास्ट मोमेंट में रद्द कर दिया गया, तो इसलिए जो 115 जाने वाले थे उसमें 47 कम हो गए। और जिनको वीज़ा मिला भी है, अब उत्तराखंड से अगर 15 घंटे पहले वीज़ा मिलेगा वो भी अल्मोड़ा से, तो वो हमारी बहन पूरी रात बस में यात्रा करके अकेली यहाँ तक पहुँची है। तो भारत सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए और हम अपील भी करते हैं कि एक तो हमें कम से कम 1000 यात्री कटासराज तीर्थ पर शिवरात्रि पर भेजने की आज्ञा मिलनी चाहिए, और भारत सरकार, हमारा विदेश विभाग ये प्रबंध करे कि जिन्होंने कटासराज जाना है उनको जो आज्ञा पत्र है, पाकिस्तान का वीजा है, वो कम से कम 15 दिन पहले मिले। मेरा नाम हनुमेश काश्यप है और इनका नाम है भाग्या। भाग्या, हम लोग कर्नाटक में बैंगलोर ये मैसूर से आए हैं, कटासराज मंदिर जाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। वीज़ा अभी 14 तारीख को मिला है हम लोग को, सो हम लोग वहाँ जाके शिव जी का आशीर्वाद लेंगे और महाशिवरात्रि के अवसर पे वहाँ पे रह के अभिषेक करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। पहली बार आए हो? पहली बार आ रहे हैं, पहली बार। वीज़ा कौन कौन सी जगह पर जाओगे? पहले इन लोग का आइटनरी के हिसाब से पहले हम लोग लाहौर जाएंगे, लाहौर से हम लोग को चकवाल कतासराज लेके जाते हैं,
वहाँ पे दो दिन रुक के शिवरात्रि मना के वापस हम लोग लाहौर आ के लाहौर में लव जी का मंदिर और उनका समाधि, कृष्णा टेम्पल और गुरुद्वारा सब दिखा के वापस लेके आ रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आर्य समाज वेद मंदिर महर्षि दयानंद बाजार भार्गव नगर जालंधर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्मोत्सव व बोध उत्सव पर भव्य ऋषि मेला 13 फरवरी से 19 फरवरी तक बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाया जा रहा है, जिसके 5वें दिन पंडित रमेश ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर प्रधान कमल किशोर, संरक्षक पंडित मनोहर लाल, कार्यकारिणी प्रधान राजकुमार, वरिष्ठ प्रधान रमेश चंद्र, मंत्री विशंबर कुमार, कोषाध्यक्ष सुदेश कुमार, संयुक्त मंत्री लाभ सिंह सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। जंतु पशु पक्षी पौधे पैदा किए तब भगवान ने ये ज्ञान दिया। सबसे पहले जो आप सुनते चले आ रहे हैं, आपकी बात तो मेरा क्रम ये था, मैं कहा चलो ऐसी स्वामी दयानंद के उपकारों में सबसे बड़ा उपकार तो ये, उसमें सारी बात आ जाती। तो वेद से लोगों को परिचय कराया जाए कि वेद क्या है, उसी कड़ी से ये जुड़ा हुआ है। तो वेद का जो ज्ञान है ये किसने दिया है, परमात्मा का दिया ज्ञान है, ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है। ईश्वर ने जैसे और चीजें बनाकर दी हमारे कल्याण के लिए, वैसे ये परमात्मा ने हमें दिया। इसलिए हम ये निवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा काम ये हो गया। तो बाबू सरदारी लाल जी, जिनकी स्मृति में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा उनका काम जो रहा उनका ये रहा। आज बाबू सरदारी लाल जी आर्य रतन जिन्हों की छत्र छाया थले ये आर्या समाज चल रहा सी, अज उनकी पहली बरसी ही, पहली बरसी दे उपलक्ष्य विच आज दा सारा प्रोग्राम जिहड़ा कीता गया, बहुत सारे लोग कट्ठे होए, बहुत संगत कट्ठी हुई उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करन दे वास्ते। सो मैं परमात्मा अगे प्रार्थना करदा हाँ कि परम पिता परमात्मा उन्हां दी आत्मा जिथे भी हो उसनू सदगति प्रदान करे, और सारे भाई भैन जिन्ने आर्या समाज नाल संबंधित ने उन्हां अगे बेनती करदा हाँ कि उन्हां दे दस्से हुए रस्ते उत्ते चल करके अपने जीवन नू सफल बनाइए, और अपनी कौम बरादरी दा भी जिहड़ा उसनू अगे वधन दा विधान दा यत्न करिए। जालंधर के पूर्व मेयर सुनील ज्योति, जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनके आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी एवं शोक सभा का आयोजन सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर स्थित राम हाल में किया गया। इस मौके पर आए हुए पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुनील ज्योति की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहर, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक केडी भंडारी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, जिला भाजपा अध्यक्ष सुभाष शर्मा, पूर्व मेयर राकेश राठौर, गौतम कपूर, राजेश वाघा, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, अनिल सच्चर, राजेश कपूर, अमरजीत सिंह अमरी, कमलजीत सिंह बेदी, अश्विनी शर्मा, बालकिशन बाली, राजेश अरोड़ा, आर के मल्होत्रा,
गुरप्रीत विक्की, सुभाष सूद, दविंदर कालिया, हर्ष महेंद्रू, अश्वनी पुरी, अश्वनी भंडारी, भगवंत प्रभाकर, हरिपाल सोंधी, कुलवंत सिंह, पी एस वालिया, राजू चावला, संजीव कुमार, रवि महेंद्रू, अजय चोपड़ा, डॉक्टर वनीत शर्मा, अमित भाटिया, पार्षद बंटी नीलकंठ, जोली बेदी, पवन कुमार, सनी शर्मा, अमरजीत सिंह गोल्डी, सतनाम बिट्टा, संजय भगत, रमेश चावला, अशोक सरीन, बलराज ठाकुर, मनोज नन्ना, देवकी नंदन ठाकुर, कमल जैन, मनोहर लाल भगत, दीपक कालिया, डॉक्टर रमेश कंबोज, दीवान अमित अरोड़ा, भारत भूषण ज्योति, डॉक्टर परमिंदर बजाज, जसपाल सिंह, संजीव कुमार, सतपाल बाठला, अर्जुन सिंह पप्पी, मोहिंदर पाल, पवन वशिष्ठ, जवाहर सूद, सुरेंद्र सेठ, जतेंद्र कालिया, अजय जोशी, कांत करीर, पवन महाजन, कुलदीप सिंह ओबराय, अरविंदर कौर ओबराय, प्रमोद कश्यप, प्रशांत गंभीर, राजू मांगो, अर्जुन त्रेहन, विवेक खन्ना, दविंदर बजाज, पंकज जुलका, महेंद्र भगत, तरसेम कपूर, विपन गोल्डी, रमन पब्बी, दीपाली बागड़िया सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुनील ज्योति को श्रद्धांजलि भेंट की। मिट जाएंगे
इस दुनिया के समाज के चंगे काम करता है उस इंसान के जान के नाल जिथे परिवार को बड़ी वड्डी घाट पैंदी है उत्थे समाज को भी बड़ी वड्डी घाट पैंदी है। सुनील ज्योति जी के नाल मेरा पिछले लगभग 25-30 साल तो प्यार सी, उन्हां दी इंसानियत, उन्हां दी ईमानदारी और उन्हां दे काम करन दा ढंग एक अनोखा ही सी। जे उन्होंने कोई काम कहता उन्हों करके पूरा भी करना और करके उन्होंने कहना कि मैं काम करके दिखाया। एज ए महापौर मेयर 5 सालों के चाहे असी अपोजिशन दे विच सी लेकिन जिस तरीके दे नाल काम करते सीगे जे किधर काम कोई गलत होना तो असी उन्होंने कहना कि तुसीं काम गलत किया लेकिन उन्होंने कहना कि मैं हाउस दे विच ते इस तरह कहना बाहर आके तुहाडे नाल गल कर लूँगा जे मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती मान लूँगा। सो इहो जिहे इंसान अज की दुनिया के बहुत घट पैदा होंगे। व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित जी, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के संतजन, ये शब्द श्री हरीश सैनी न्यूयॉर्क अमेरिका मेरे दोस्त सुनील जी के दोस्त उनके हैं, वाणी मेरी है। मेरे भाई समान सुनील ज्योति की अंतिम सत्संग सभा में पहुंचे समस्त भाइयों और बहनों को मेरा नमन। धन्य है वो माँ जिसने सुनील ज्योति जैसे यशस्वी, साहसी, पराक्रमी, तीव्र बुद्धि, इंसाफ पसंद शेरदिल बेटे को जन्म दिया। और वो बेटा भी धन्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते पार्टी की निस्वार्थ सेवा करते हुए पार्टी को ऐसे स्थान पर पहुंचाया जहां हर कार्यकर्ता, परिवारजन, दोस्त गर्व की अनुभूति करते। जेडी शिष्यन ने अपने नाम भी उच्चा किया ते पार्टी वास्ते बहुत सेवा की ते सेवा करते गए। जो मेयर सी सारे के सजे मेयर से जो हूँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर से तो सारे के सजे लीडर से उन्होंने आवाज बड़ी बुलंद सी। गल नूं सामने रखना पिछे नहीं पैन देना जिवें मेरे भरा ने कहा स्मार्ट सिटी जलंधर नूं लियाना एक उन्होंने कर्तव्य से। एक ऐसा इंसान होना है जिंदे लिए कोई एजिटेशन करन भी आया वो इंसान उन्होंने हस के मिलिया तो उन्होंने बेच गया तुसी कभी नहीं देखा होना कि उन्हें अपना दरवाजा बंद कराया। इस करके पार्टी ने उन्होंने बड़ा वड्डा मान दिता। सुनील ज्योति जी नाल मेरा बहुत पुराना संबंध सी। मैनू याद है आप क्रिकेट खेडते होंगे सी ते कई बार दुआबा स्कूल की ग्राउंड के अंदर असीं इन्हां नूं क्रिकेट खेडते देखते होंगे सी। उदों मेरे राजनीतिक संबंधता नहीं सी लेकिन एक क्रिकेटर के नाते साडा इन्हां नाल मैच लगता हुंदा सी ते असीं सदा ही इन्हां कोल हारदे हुंदे सी क्योंकि साडी व्यापारियां दी टीम हुंदी सी ते असीं व्यापार तों बाद जदों समें लगना ते असीं क्रिकेट खेडदे। मैनूं याद है जदों हिमाचल दे अंदर पिछले चुनाव सीगे ते प्रदेश भारतीय जनता पार्टी वालों साडी ड्यूटी लगी तुसीं हिमाचल के अंदर 18 सीटां नूं देखना है। सो असीं सारे साथियों ने सलाह करके भंडारी साहब भी सीगे भंडारी साहब डिस्ट्रिक्ट नूरपुर ते ज्योति जी नूं मैनूं याद है मैं सह संयोजक के नाते जिला चंबा इन्हां नूं दित्ता सी। मेरे तो पहले भी बुला रहे हैं उन्होंने बारे काफी जानकारी दी। बहुत दूरदर्शी सोच के मालक से और जड़ा स्टैंड एक बार ले लेना उसे खड़े रहना और जदों मैं जिला प्रधान बनया उस तो बाद मेरे नाल मोजे ना मोजा ला के खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी जलंधर के अगे बधे वो सोच में लैके काम करते रहे
पिछे चोणा दे विच मोदी जी की रैली हुई उहदे लई उन्होंने पार्टी ने इंचार्ज लगाया बाखूबी उन्होंने वो कार्यक्रम पूरा करवा के दिता। कुछ दिन पहला लगता नहीं सी इस तरह की घटना होगी। जो हॉस्पिटल दाखिल सी जब मिलने गया तो वो इन्नी गर्मजोशी ना गल्लां कर रहे सी भी इस तरह इलैक्शन होना इस तरह होना। उस तो बाद भी लग रहा भी वो ठीक हो गए उन्होंने रूटीन लाइफ च आएगा पर परिवार ने बहुत सेवा की वो कोशिश की थी भी पूरी तरह ठीक हो जाए पर पता नहीं सी भी उसमें एकदम इदा सदीमी गुछूड़ा दिजणगे। पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता का घाटा होया। पहचान अपनी दूर तक मैं छोड़ जाऊंगा। सुनील ज्योति जी ने रहे लेकिन उन्होंने पहचान हमेशा जिंदा रहेगी। बहुत दूर तक बना के गए हैं जिस क्षेत्र च भी रहे जिस क्षेत्र च गए अमिट छाप चुकी है। ये खेल के क्षेत्र के ऐसे क्रिकेटर सारे पता चलता दिन कि क्रिकेट का बहुत शौक से एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और एक एज ए राजनीतिक फिर बतौर मेयर जब तक जलंधर रहेगा सुनील ज्योति जी की याद रहेगी। क्रिकेट का मैच होया इन्होंने केसीसी क्लब से साडे पीएमसी क्लब से लास्ट ओवर बिल्लू भाजी बैटिंग करते पे पांच स्कोर चाहिए साडे कप्तान मुकेश चोपड़ा जी ने मेरा एक ओवर पिया मैं ओवर ओपन करता सी उन्होंने मैं बॉल दे दी और पहली मैं जल्द बॉल पाई है ना शॉट मारी मैं रोक ली दूजी बॉल से मैं आउट करता तीजी बॉल से इन्होंने होर प्लेयर है उन्हें आउट करता अल्टीमेट असि मैच जित लिया इन्होंने और उस तो बाद साडा दोनों क्लबों का अलायंस हो गया और असी ए आर आई क्लब बनाई और उस तो बाद ए आर आई स्पोर्ट सोसायटी बनाई साढ़े वो शहर के चंगे लोग उस सोसायटी के मैंबर आना है। यही प्रार्थना करूँगा मेरे वीर नू अपने चरणों में स्थान दे और राघव नू ताकत दे साडी भाभी जी नू अंजू भाभी जी नू इन्नी ताकत दे बल दे जिहड़ा पहाड़ इस परिवार से गिरिया हुआ है। साडे वीर अरुण जी बैठे आ अनिल जी बैठे आ साडी भैन मंजू बैठी है ये परिवार पढ़े लिखे परिवार है इस परिवार का नाम है। तुसीं सारे लोग साडे परिवार के नाल दुख बड़ा निकलकर होए हुए मैं थोड़े सारे अपने परिवार वालों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता। शिव शक्ति मंदिर धर्मशाला अनूप नगर जालंधर की तरफ से महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें राजन अंगुराल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर इस शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस शोभा यात्रा का स्वागत भक्तों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर किया गया। इस मौके पर प्रधान बंसीलाल पंडित जयप्रकाश गगन संजय सनी जयपाल राकेश अशोक कुमार गीता सुधा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जगमोहन की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के प्रकाश उत्सव से समूह संगत को लख लख वधाई। तो जिमें कि शिव शक्ति मंदिर तो अज शिवरात्रि के उपलक्ष्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जो कि अनूप नगर सतनाम नगर ग्रीन वैली बस्ती दानिश मंदिर तो होंगी हुई वापिस मंदिर आई तो कल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दरबार की जय। अज शिव शक्ति मंदिर अनूप नगर वार्ड 75 तो महाशिवरात्रि के अवसर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई तो जगह जगह से शोभा यात्रा के स्वागत लिए लंगर भंडारा आदि चलाया गया
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜੈਪਾਲ ਸੰਜੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਸੁਧਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਰਲ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। भीखीवंड के नजदीकी गांव माड़ी मेघा के पास एक मोटरसाइकिल और स्कूल वैन की हुई टक्कर, एक छात्र की मौत, दो घायल। सुनाम संगरूर कैंचियां के पास मामूली विवाद को लेकर दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, हुई मौत। नाभा में गत रात्रि चोरों ने दो घटनाओं को दिया अंजाम, गैस एजेंसी से 2.5 लाख रुपए की नकदी और घर के बाहर खड़ा ट्रक लूट हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।